Now student, we are learning difference between delegation and decentralization. Now, why difference is meaning? Delegation means assigning work to other and giving them authority to do it. भारार्पण में दूसरे व्यक्तियों को कार्य सौंपा जाता है और उस कार्य की अथॉरिटी भी दी जाती करने के लिए, मीन्स उस कार्य करने की अथॉरिटी भी उसी व्यक्ति के पास होती है जिसे काम सौंपा जाता है। ठीक, भारार्पण में कार्य का भार सौंपा जाता है दूसरे व्यक्ति को और अथॉरिटी भी उसी के पास होती है उस कार्य को पूर्ण कराने की। ठीक, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स सिस्टमेटिक डिस्पर्शन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें विकेंद्रीकरण में जो सिस्टमेटिक डिस्पर्शन ऑफ अथॉरिटी मीन्स अथॉरिटी अधिकृत किया जाता है सिस्टमेटिक तरीके से, या जो कार्य की अथॉरिटी है उसका प्रसार प्रसार किया जाता है, मतलब कार्य को करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों को कार्यभार सौंपा जाता है, उनकी अथॉरिटी अलग अलग व्यक्ति को दी जाती है। सिस्टमेटिक मीन्स कार्य की अथॉरिटी का प्रसार प्रसार प्रचार प्रसार करना या प्रसारण करना, ये बोल सकते हैं हम, या विस्तारित करना अथॉरिटी को अलग अलग व्यक्तियों को अधिकृत किया जाता है कार्य को करने के लिए या कार्य को करवाने के लिए, उसे कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। हमने पढ़ा विकेंद्रीकरण में टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट होता है या मैनेजर होते हैं उनके द्वारा जनरल मैनेजर की नियुक्ति की जाती है और उन्हें अथॉरिटी सौंपी जाती है उस कार्य को कराने की। ठीक, इसमें सिस्टमेटिक अथॉरिटी सौंपी जाती है। स्कोप, सेकेंड डिफरेंस है स्कोप। द स्कोप ऑफ डेलीगेशन इज लिमिटेड। ओके, इसमें डेलीगेशन में जो स्कोप है वो लिमिटेड होता है, मीन्स इसमें ज्यादा वर्क लोड नहीं होता या वर्क कराने के लिए, काम कराने के लिए ज्यादा कोई स्कोप नहीं है, मीन्स वैकेंसीज ज्यादा नहीं रहती इसमें। ठीक, द स्कोप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज वाइड। ठीक है, इसमें लिमिटेड होती है, उसमें बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, किसमें? डिसेंट्रलाइजेशन में, क्योंकि इसमें टॉप लेवल के मैनेजमेंट के द्वारा जनरल मैनेजर्स अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर होता है। ठीक है, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ठीक है, तो वहां पर स्कोप भी ज्यादा होता है। किसमें? डिसेंट्रलाइजेशन में। ठीक, नीड, डेलीगेशन इज नीडेड इन ऑल टाइप ऑफ इंटरप्राइजेस। ठीक है, हर प्रकार की जो संस्थाएं होती है उसमें जरूरत होती है डेलीगेशन की, भारार्पण की। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ इंटरप्राइजेस नीडेड, सभी को जरूरत होती है भारार्पण डेलीगेशन की। Decentralization is not needed for all enterprises. It is needed for big enterprises. जो बड़ी बड़े उद्योग व्यापार होते हैं उनमें ही decentralization की आवश्यकता होती है, उनको ही जरूरत होती है। ये छोटे या small के लिए जरूरतमंद या जरूरत नहीं होती इनकी decentralization की। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, जब छोटे स्तर का कार्य होता है, छोटा बिजनेस होता है या बड़ा हो, इसमें भारार्पण कार्य का भार दूसरों को सौंपा जाता है, कार्य कराने के लिए नियुक्त किया जाता है अलग अलग व्यक्तियों। बट छोटे इंटरप्राइजेस में अलग अलग विभाग नहीं होता। ठीक, इसमें विभाग नहीं होते, सिर्फ काम को सौंपा जाता है करने के लिए। यहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मैनेजर की नियुक्ति की जाती है, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन की आवश्यकता होती है, यानी कि बड़े इंटरप्राइजेस में डिसेंट्रलाइजेशन की आवश्यकता होती है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्राइजेस रिमेन विथ टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स। यहां पर जितना भी काम किया जाता है डेलीगेशन में, भारण में जिस व्यक्ति को कार्य का भार सौंपा जाता है उसके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, मीन्स सिर्फ कार्य का भार सौंपा जाता है उसे, कार्य करवाया जाता है उससे, बट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव, टॉप लेवल के मैनेजमेंट की। ठीक है, यहां तो सिर्फ अधिकृत किया गया है उस व्यक्ति को कार्य करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल की होती है। ठीक, कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज इज ट्रांसफर टू द यूनिट्स विद द पावर ऑफ टेकिंग इंडिपेंडेंट। यहां पर जो कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइजेस इज ट्रांसफर टू द यूनिट विद द पावर ऑफ टेकिंग इन इंडिपेंडेंट, यहां पर स्वतंत्रता पूर्वक जो डिसीजन लेने का पावर होता है, जो ताकत होती है, वो अलग 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 यूनिट में डिवाइड कर दी जाती है। मीन्स यहां पर जनरल मैनेजर हर एक, मैंने बताया आपको कि अलग अलग डिपार्टमेंट होता है बड़ी बड़ी यूनिट, बड़ी बड़ी इंटरप्राइजेस में, तो वहां पर डिसीजन लेने का जो पावर होता है वो भी अलग अलग यूनिट्स में उनके मैनेजर को सौंप दिया जाता है। ठीक है, और वही मैनेजर उस कार्य के प्रति अथोराइज भी रहेंगे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी। ठीक है, यहां पर पावर और जो अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब ट्रांसफर कर दिया जाता है यूनिट्स में। अगला पॉइंट है ड्यूरेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज मेड फॉर शॉर्ट पीरियड। जो भारअर्पण का कार्य होता है वो, या जिसको कार्य का भार सौंपा जाता है, अथॉरिटी दी जाती है, वो छोटे समय के लिए दी जाती है। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज मेड फॉर शॉर्ट पीरियड, ठीक है, छोटे समय के लिए अथॉरिटी दी जाती है इसमें। डिसेंट्रलाइजेशन इज मेड फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे कार्यकाल के लिए डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। मीन्स जैसे टॉप लेवल के मैनेजर के द्वारा जनरल मैनेजर की नियुक्ति की गई, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मैनेजर्स की नियुक्ति की गई, तो वो लंबे समय के लिए होती है। ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होती। स्टूडेंट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन।